हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि IIT JEE के प्रिपरेशन के लिए फोर रिक्वायरमेंट्स होती है। उनमें से एक रिक्वायरमेंट होता है फोकस। फोकस में मैंने बताया था कि 2 या 3 साल तक आप जितने दिनों तक प्रिपरेशन करते हैं, उतने दिनों तक रेगुलर जो है क्लासेज अटेंड करनी होती है, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, है ना। जो होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क को आपको ट्राई करना होता है। जो डाउट्स आते हैं उसको अपने टीचर से पूछना होता है, ठीक। तो ये सारे जो काम हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 साल का जो समय होता है बहुत लंबा समय होता है, और उसमें हमें रेगुलर कंटिन्यूअसली जो है ये पढ़ाई करनी होती है। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, प्रॉपर शेड्यूल को हमें फॉलो करना होगा। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IIT JEE में लगभग हर साल 12 से 13 लाख स्टूडेंट्स जो है अपीयर होते हैं, है ना। और उनमें से केवल 10% जो है सेलेक्ट होते हैं। 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है ना। हालांकि रैंक ज़्यादा की निकाली जाती है, लेकिन एडमिशन जो होता है वो केवल 12-13 हज़ार स्टूडेंट्स का ही हो पाता है, सही तरीके से कहा जाए तो। यानी केवल 10% जो स्टूडेंट्स हैं वही सिलेक्ट होते हैं। तो बाकी जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो मतलब ये है कि वो असफल हो जाते हैं। तो वो कौन से 10% स्टूडेंट्स हैं जो कि सफल होते हैं, है ना। तो ये 10% स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर रेगुलर जो है वो क्लासेज अटेंड करते हैं पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ में। जो डेली रूटीन एक बनाया जाता है, उस रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दिया जाता है क्लास में, उस होमवर्क को एटलीस्ट ट्राई करते हैं, ठीक। जो डाउट्स आते हैं उनको वो पूछते हैं। ये सारी चीज़ें उनको करनी होती है। और ये जो 10% स्टूडेंट के बारे में बताया, वो ही ये काम करते हैं। जो नहीं करते हैं वो उस 90% के कैटेगरी में चले जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आज मैं आपको उसी प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, है ना। तो मेरा मानना है कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी, या कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट हो उसके लिए भी मिनिमम जो है 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, है ना। 12 घंटे जो होते हैं उसमें से हम लोग जो है 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। 4 घंटे फिजिक्स के लिए, 4 घंटे जो है केमिस्ट्री के लिए, और 4 घंटे मैथमेटिक्स के लिए, ठीक। इस 12 घंटे में आपके कोचिंग या स्कूल का जो टाइम है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। हमारे ज़माने में क्या होता था कि इतने वेल ऑर्गेनाइज कोचिंग्स नहीं होते थे, है ना। तो उस टाइम में जो है यही पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। कुछ भी सीखना हो तो उसमें समय ज़्यादा लगता था। कई बार ट्रायल एंड एरर का जो है मेथड हमें अप्लाई करना होता था। लेकिन आजकल क्या है कि कोचिंग जो है हर जगह अवेलेबल है, बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है। तो जो कंटेंट है पहले से बहुत सही तरीके से रेडी है, उसमें जो है हमें जो है कोई भी डाउट करने का जो है वो रिस्क नहीं है। जो भी कंटेंट है वो परफेक्ट कंटेंट है, तो बिल्कुल जो ऑप्टिमम कंटेंट चाहिए वो हमें मिल जाता है। पहले जो है थोड़ी सी चीज़ पढ़नी होती थी, समझनी होती थी, तो उसके लिए बहुत सारा कंटेंट छानना पड़ता था, हमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता था, तब तो थोड़ी बहुत काम की चीज़ मिलती थी उसमें, है ना। इसलिए टाइम पहले ज़्यादा लगता था। अब जो है टाइम एक तरह से कह सकते हैं कि हमें पहले से कम देने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो कम टाइम भी है, कम से कम 12 घंटे होना चाहिए, जिसमें से 4.5 घंटे जो है कोचिंग हो या स्कूल हो, मान लेते हैं 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का फिजिक्स हो गया, 1.5 घंटे का मैथमेटिक्स हो गया, और 1.5 घंटे का केमिस्ट्री हो गया। वो 4.5 घंटे हम निकाल देते हैं उसके लिए कि कोचिंग में हमने पढ़ लिया या स्कूल में पढ़ लिया। बाकी बचते हैं कितने, 7.5 घंटे, है ना। तो 7.5 घंटे बचते हैं, तो उसमें से आधा आधा घंटा जो है वो क्या करना चाहिए, जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, जो कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाता है,
वो जो लेक्चर नोट्स क्लास में पढ़ाएगा उसको रिवाइज करना चाहिए। जब भी आप क्लास से, कोचिंग क्लास से घर में आए, तो आधा घंटा जो है उस नोट्स को रिवाइज करें, देखें कि जो जो फैकल्टी ने, जो टीचर ने पढ़ाया था, वो चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि नहीं आई, उसको एक बार पढ़ना चाहिए। और जो जो डाउट्स आते हैं उसको आप टिक कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, फिर अगले दिन जाएंगे तो उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे, पूछ लेंगे। ठीक, तो आधा घंटा फिजिक्स के लिए, आधा घंटा केमिस्ट्री के लिए, आधा घंटा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो इस तरह से आधे आधे घंटे यानी कि 1.5 घंटे तो ऐसे निकल गए, 4.5 घंटे वहां पे निकल गए थे, तो कुल मिलाकर के 6 घंटे अपने निकल गए। 4.5 घंटे कोचिंग में निकल गए, 1.5 घंटे तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिर आधे आधे घंटे जो है नोट्स रिवीजन में निकल गए, यानी 6 घंटे हमारे निकल गए, बाकी बचते हैं 6 घंटे। तो उसमें से 2-2 घंटे जो है हम लोग हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे उसका होमवर्क करने के लिए। 2 घंटे फिजिक्स का होमवर्क करेंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री का होमवर्क करेंगे और 2 घंटे मैथमेटिक्स का होमवर्क करेंगे। ठीक, इस तरह से करना चाहिए। और ये जो रूटीन है आपको रोज फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो फॉलो करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि जब हम लोग इस शेड्यूल को फॉलो करने लगते हैं तो 1-2 महीने तक तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, उसको फॉलो करते हैं, फिर बाद में जो है थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, है ना। तो वो हमें लापरवाही को यहाँ पर त्यागना पड़ेगा। मैंने बताया था कि पूरे फोकस के साथ में लगातार 2 या 3 साल तक ये काम आपको करना होगा। यही जो है 90% बच्चे नहीं करते हैं, है ना, तो आपको वो 10% वाली कैटेगरी में आना पड़ेगा, तो ये काम जो है वो रेगुलर जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक, कई बार जो है ये भी होता है कि हमारा पढ़ते टाइम में जो होमवर्क कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं बन रहा उस तरीके से। जब भी आप ज़्यादा समय देते हैं, है ना, तो कई बार कंसंट्रेशन खराब होता है, कई बार आप मूवीज के बारे में सोचने लगते हैं, घर में कोई बात हुई है तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, कोई काम है काम के बारे में सोचने लगते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन खराब होता है जब आप लंबे समय तक पढ़ते हैं, ये 12 घंटे का समय भी कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है ना। तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमें रोज का एक टारगेट डिसाइड करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता था तो मैं अपने लिए टारगेट डिसाइड करता था कि मिनिमम जो है 80 क्वेश्चन फिजिक्स में, 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 80 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, ये मैं करता था, है ना। अगर ये टारगेट पूरा करने के लिए अगर 12 घंटे का समय कम पड़ जाता है तो मैं बल्कि ज़्यादा भी समय देता था, 13 घंटे 14 घंटे, है ना, हो सकता है किसी दिन 16-17 घंटे भी देना पड़े। ठीक है, वो तब देना पड़ेगा जब हमारा कंसंट्रेशन जो है वो सही नहीं रहेगा, जब कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है गड़बड़ाया है बीच में, तो ये समय हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और तभी जो है उस पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी आएगी। तो ये ज़रूरी है ना। तो हो सकता है कि आपने जो टारगेट डिसाइड किया है वो 12 घंटे में पूरा ना हो, तो आपको समय ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। हालांकि जो 12 घंटे का समय मैंने बताया है ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी। कोई स्टूडेंट्स है वो 12 घंटे से कम में भी अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर सकता है, उतनी पढ़ाई कर सकता है जो उसको करना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 12 घंटे में वो पूरा नहीं कर पाते, उन्हें समय ज़्यादा लगता है, तो उनको अपना टारगेट जो समय है, जो रूटीन है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। 15 घंटे कर सकते हैं, 1-1 घंटे तीनों सब्जेक्ट में और बढ़ा दें, है ना। एक तो ये चीज़ हो गई, ये टाइम जो है, शेड्यूल जो है, इसको हमें रेगुलर फॉलो करना चाहिए। साथ में एक चीज़ ये आती है, बच्चे ज़्यादातर बताते हैं कि जब इतने लंबे समय तक पढ़ते हैं तो बोरियत भी आने लगती है ना। तो उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई आपकी हॉबी हो, है ना, जैसे आपको हो सकता है गाने सुनना अच्छा लगता हो, या कोई गेम खेलना अच्छा लगता हो, या मूवी देखना अच्छा लगता हो, तो जो भी आपकी हॉबी है जिससे आपका मन खुश होता है वो काम भी डेली 1 घंटा करना चाहिए, है ना। पढ़ाई जो है सबको बोरिंग लगती है, हर बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आता नहीं है। कई बार हम लोग जो है वो अपने कैरियर के लिए पढ़ते तो हैं लेकिन बीच में बोरियत आने लगती है। ठीक है, तो उस केस में ये जरूरी है कि जो काम करने से आपका मन खुश होता है वो काम भी रोज करें आप,
1 घंटे करना चाहिए, चाहे खेलने क्रिकेट खेलने का मन करा 1 घंटे क्रिकेट खेल लिया, है ना। तो 1 घंटे वो काम भी करना चाहिए। आप दिन भर मन लगाकर पढ़ेंगे इसी उम्मीद में कि वो 1 घंटे मुझे जो है वो अपना फेवरेट काम जो है वो करने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है ना। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि IIT का जो प्रिपरेशन है बहुत, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रूटीन काम करना होता है ना। रूटीन काम यही है कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करें जितना हो सकता है, ठीक, रेगुलर अटेंड करना चाहिए। और जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क रोज़ ट्राई करें, मैंने ये कहा कि रोज़ ट्राई करें, जितना होता है होने दें। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में से हो सकता है 3 ही क्वेश्चन बने, 4 ही क्वेश्चन बने, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को भी ट्राई करना चाहिए। आप ट्राई करेंगे तभी उस क्वेश्चन का जो आंसर जब बताया जाएगा क्लासेज में तो वो समझ में आएगा, है ना। तो वो ये काम करना है आपको, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको एटलीस्ट ट्राई करना है, फिर उसमें जो भी डाउट्स आते हैं जाकर अपने टीचर से पूछना है। ये काम जो है वो आपको लगातार 2 साल तक 3 साल तक आपको करना होगा, ठीक। और जो मैंने शेड्यूल बताया है उस शेड्यूल को भी जो है जितना हो सकता है कोशिश करें उसको फॉलो करने की, है ना। जितना आप उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप वो 10% वाली कैटेगरी में जो है आप आते जाएंगे। तो ये जो शेड्यूल मैंने बताया, इस शेड्यूल को मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा आपको, है ना। वो इसलिए क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आप अकेले होते हैं, वहाँ पर आपके कोई टीचर नहीं होते, कोई गाइड नहीं होते, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है ना। वहाँ पर सारे सवालों के जवाब आपको खुद ही ढूंढने होते हैं, ठीक। तो उसकी प्रैक्टिस हम खुद खुद क्यों ना करें, पहले से क्यों ना करें। और इसीलिए इतना स्ट्रिक्टली जो है इतना स्ट्रिक्ट और जो बड़ा सा शेड्यूल है उसको फॉलो करना होता है ना। अब हमेशा ऐसा समझे कि मैं किसी एग्ज़ाम में ही बैठा हूँ, और जब एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो हर क्वेश्चन को मुझे खुद ही सोल्व करना है, हर क्वेश्चन को खुद पहले ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जब आंसर नहीं आएगा तब जो है हमें गाइड की हेल्प लेनी होती है, ठीक। तो इस तरह से आप अपने आप को इस तरह से बनाएंगे कि जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप अकेले होंगे तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना। आजकल के बच्चों का ज़्यादातर ये टेंडेंसी होता है कि हर क्वेश्चन जो है, हर थ्योरी जो है हमारे टीचर बता देंगे, उसका सोल्यूशन बता देंगे, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना एफर्ट कम लगाते हैं, है ना। लेकिन अपना एफर्ट कम लगाएंगे जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो जो है वहाँ पर उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी ट्राई करा नहीं, खुद जो है आंसर निकालने की कभी कोशिश करी नहीं, है ना। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अपने से ही आंसर निकालने की कोशिश करें, जितना हो सकता है खुद आंसर तक पहुँचने की कोशिश करें। जब नहीं आता है तब आपका गाइड या आपका टीचर जो है वो काम में आता है। एक बार आंसर निकालने की जब आदत पड़ गई तब जो है आप एग्ज़ाम में भी जा करके खुद आंसर निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसी के साथ जो है मैं अपना जो वीडियो है आज का वो ख़त्म करूँगा। यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है ना, और थोड़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घर के पास में ही हूँ मैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, यहाँ पर ज़्यादा आदमी नहीं है, मैं अकेले हूँ, है ना। तो आज जो है ये मैं वीडियो यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।